नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके सवालों के जवाब जो आपकी हेल्प करते हैं आपके करियर में, आपकी जिंदगी में। और आज एक ऐसा ही शब्द है जिसका नाम है पैरामेडिकल। मेडिकल नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये पैरामेडिकल क्या बला है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल सेक्टर में करियर बनाने में है और आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की तलाश में हैं, तो पैरामेडिकल फील्ड में आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेडिकल साइंस के इस सेक्टर में ढेरों जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और इन कोर्सेज का स्कोप भी तेजी से बढ़ा है। ऐसे में अगर आप भी पैरामेडिकल सेक्टर में अपनी पसंद का कोर्स करने से जुड़ी जानकारी लेना चाहते हैं, तो क्विक सपोर्ट का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें आपको पैरामेडिकल से जुड़ी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सही कोर्स चुनने में आपको बहुत आसानी होगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पैरामेडिकल क्या है। पैरामेडिकल मेडिकल वर्क को सपोर्ट करता है। पैरामेडिकल कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, जिसे करने के बाद में आप एक हेल्थ केयर के ट्रेंड वर्कर के रूप में तैयार हो जाते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप पैरामेडिकल फील्ड जैसे कि डायग्नोसिस, फिजियोथेरेपी, रेडियोग्राफी, लेबोरेटरी में टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, जैसे MRI टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी असिस्टेंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, एम्बुलेंस अटेंडेंट, क्रिटिकल केयर पैरामेडिक, डेंटल असिस्टेंट और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। पैरामेडिकल कोर्स करने वाले कैंडिडेट को पैरामेडिक कहा जाता है। एक पैरामेडिक ट्रेंड और स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल होता है, जो कुछ हद तक फिजिशियन की ड्यूटीज भी निभाता है, यानी इमरजेंसी की कंडीशन में पेशेंट को एग्जामिन करना और बेसिक ट्रीटमेंट देने जैसे काम भी करता है। हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यूनिट में ज्यादातर पैरामेडिक्स अपॉइंट होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो पैरामेडिकल क्या है ये जानने के बाद में अब इससे जुड़े कोर्सेज और उनका क्राइटेरिया क्या है, आइए जानते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज 10th क्लास पास करने के बाद भी किए जा सकते हैं और 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम यानी कि बायोलॉजी रखने वाली कैंडिडेट्स ही इन कोर्सेज को कर सकते हैं। इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, जबकि कई कॉलेज में एडमिशन मेरिट बेस पर होता है। तो आइए अब पैरामेडिकल से जुड़े सभी कोर्सेज और उनकी ड्यूरेशन के बारे में भी बात करते हैं। सर्टिफिकेट पैरामेडिकल कोर्सेज। इन सर्टिफिकेट कोर्सेज की ड्यूरेशन 6 महीने से 2 साल तक होती है और ये कोर्सेज है सर्टिफिकेट डेंटल असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट, सर्टिफिकेट टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन ECG एंड सिटी स्कैन टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन रूरल हेल्थ केयर, सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन, सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। अब जानते हैं पैरामेडिकल में डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। ये डिप्लोमा कोर्सेज 1 से 3 साल में कंप्लीट होते हैं, तो इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर, डिप्लोमा इन OT टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी और डिप्लोमा इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट। तो डिप्लोमा कोर्सेज के बाद अब आगे बढ़ते हैं बैचलर डिग्री कोर्सेज के बारे में। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 3 से 4 साल होती है और ये कोर्सेज है BSc नर्सिंग, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, BSc इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑप्टोमेट्री, BSc इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, BSc इन डायलिसिस थेरेपी, BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, BSc इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी कि BAMS, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। और अब आगे जानते हैं पैरामेडिकल में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 2 साल होती है और ये कोर्सेज है PG डिप्लोमा इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन जेरेट्रिक मेडिसिन, MSc नर्सिंग, मास्टर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, मास्टर ऑफ वेटरनरी एंड पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन सारे कोर्सेज के साथ आगे आप पैरामेडिकल में बहुत से सब्जेक्ट्स में
स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसीज, फार्माकोलॉजी, बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसी के साथ अब आपको बताते हैं पैरामेडिकल कोर्स करने के लिए कुछ बहुत ही पॉपुलर कॉलेजेस के नाम। शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू न्यू दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज UPES देहरादून, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU जालंधर, SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई, मणिपाल यूनिवर्सिटी MU मणिपाल, मणिपाल यूनिवर्सिटी MU मणिपाल, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU जयपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU न्यू दिल्ली। तो पैरा मेडिकल कोर्स करने के बाद में आपको इन सभी सेक्टर में अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जॉब के लिए अप्लाई भी तो करना होगा, इसीलिए आपको इस फील्ड के टॉप रिक्रूटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं पैरामेडिकल सेक्टर के टॉप रिक्रूटर्स के नाम। फोर्टिस हॉस्पिटल, नानावटी हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल, PIGMER, मैक्स क्योर हॉस्टल, बिलरुथ हॉस्पिटल, आर्टेमिस हॉस्पिटल। जहां तक इस फील्ड में स्कोप का सवाल है, तो इंडिया में पैरामेडिकल फील्ड में स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि मेडिसिन के फील्ड में रिसर्च वर्क काफी ज्यादा बढ़ गया है और आए दिन कोई नई बीमारी खोज ली जाती है। ऐसे में मेडिकल फील्ड को ऐसे प्रोफेशनल्स की काफी ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, जो कि इस फील्ड पर बढ़ने वाले प्रेशर को हैंडल करने में हेल्पफुल हो सके। इसके अलावा कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की बढ़ती संख्या ने भी इस स्कोप को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस कोर्स को करने के बाद आपको कितना स्कोप मिल सकता है, ये आपके कोर्स के लेवल पर निर्भर करता है। यानी आपने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में से जिस लेवल का कोर्स किया होगा, आपका स्कोप और सैलरी उस पर ही निर्भर करेगी। इसके अलावा आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इस फील्ड में बहुत मैटर करता है, क्योंकि ये सेक्टर ही प्रैक्टिकल वर्क का है। इसीलिए अपने कोर्स के अकॉर्डिंग भले ही आप स्मॉल लेवल शुरुआत करें, लेकिन अगर आप अपने काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे तो हाई सैलरी पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अंदाजे के तौर पर ये कह सकते हैं कि पैरामेडिक कोर्स के बाद में आप 2 लाख से 10 लाख पर एनम तक सैलरी पा सकते हैं। ये सैलरी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग होती है। तो दोस्तों, आपको पैरामेडिकल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने अवेलेबल करवाई है। अब आप डिसाइड कीजिए आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा कोर्स चूज करना है, और इन सभी चीजों के ऊपर है सेवा की भावना, जो आपको कभी नहीं भूलनी है। तो सेवा की भावना आपके अंदर है तो बस देर है किसी कोर्स को चूज करने की, कॉलेज में एडमिशन लेने की, अपनी पढ़ाई पूरी लगन के साथ करने की। आई एम श्योर जो आप चाहते हैं आपका सपना जल्दी पूरा होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ यहीं पर खत्म होता है वीडियो, लेकिन हाँ, आगे कोई जानकारी आप जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में बहुत टाइम से, तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। बाकी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिलहाल के लिए मैं कहूंगी धन्यवाद।